यह सहारनपुर के देवबंद दारुल उलूम का वो दोहरापन है जो लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की खाई को चौड़ा करता है। ये वो गैर वाजिब फरमान है जिसमें लड़कियों के जीने के अधिकार पर तुगलकी पाबंदी है। दारुल उलूम देवबंद के मदरसा परिसर में अब फीमेल्स की एंट्री पर बैन लग गया है। तर्क ये दिया गया है कि फीमेल्स अंदर जो रील हैं वो बनाती थीं, महिलाएं रील बनाती थीं और इससे जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ते थे उनको खासा दिक्कत होती थी। ऐसे में जब ये रील सोशल मीडिया पर अपलोड होते थे तो इससे दारुल उलूम की गलत छवि दुनिया भर में जाती थी। ऐसे में अब जो है इस पूरे मामले में जो लाइब्रेरी है दारुल उलूम की वहां पर भी फीमेल नहीं जा पाएंगी। इसके अलावा जो वर्ल्ड फेमस रशीदिया मस्जिद है वहां भी फीमेल्स की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जैसे ही ये फरमान आया मुस्लिम समुदाय से जुड़े ही कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, सोशल मीडिया पर भी सवाल उठाया गया। अगर रील्स बनाने से दारुल उलूम पर असर पड़ता है तो पूरी तरह से मोबाइल पर बैन क्यों नहीं? आप इस फैसले में सिर्फ महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया गया? पुरुषों के वीडियो बनाने शिकायत आ रही थी कि वहां पर महिलाएं आकर इबादत गाहों में रील्स बना रही हैं, वीडियो बनाई जा रही है, तो इससे एक अजीब कैफियत सामने आ रही थी जिससे लोगों की देश विदेश से भी शिकायतें सामने आ रही थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर अगर दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने फैसला लिया है कि वहां पर महिला नहीं आएंगी तो मैं समझता हूँ इस पर किसी को किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और बल्कि इस आदेश को स्वीकार करना चाहिए और लोगों ने इसको स्वीकार किया है। उमरा करने के लिए जाते हैं तब भी वहां पर भी कई रील्स बनते हैं और कई वीडियो शूट होते हैं, तब तो कोई भी मना नहीं करता इतने पास पाक और मुकद्दस जगह पर। तो आखिर दारुल उलूम चाहता क्या है? ऐसी क्या बातें हैं जो रील्स और वीडियो में बाहर आ जाएंगी जो जिससे उनको खौफ हो रहा है, जिससे उनको डर हो रहा है? यूं तो दारुल उलूम खुद को इस्लामिक प्रचार का जरिया बताता है मगर बात जब महिलाओं की आती है तो दारुल उलूम से जुड़े मोहतमी हद दर्जे का डबल स्टैंडर्ड अख्तियार कर लेते हैं। फरमानों की तरतीब बेहयाई में लिपटी होती है। ये वही दारुल उलूम है जो कहता है कि महिलाओं का बारात में जाना नाजायज है, शादी या दूसरे समारोह में सामूहिक तौर पर मर्दों और औरतों के एक साथ भोजन करने को यही दारुल उलूम हराम करार देता है, मुस्लिम महिलाओं की हेयर कटिंग और आईब्रो बनवाने को शरीयत के खिलाफ बताता है, गैर मर्दों से मेहंदी लगवाने को दारुल उलूम हराम बताकर फतवा जारी कर देता है, डिजाइनर और स्लिम फिट बुरका भी महिलाओं के लिए दारुल उलूम की नजर में ठीक नहीं, बैंक कर्मियों के घर में बेटे बेटियों के निकाह से दारुल उलूम को घनघोर आपत्ति है। महिलाओं के लिए दारुल उलूम की डिक्शनरी में और भी ऐसी अजीबोगरीब परिभाषाएं हैं जिन्हें सुनकर कोई भी अपना माथा पीट ले। यह दारुल उलूम की मानसिकता को दर्शाता हो जिस प्रकार सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर महिलाओं पर अनेकों अनेकों प्रतिबंध वहां लगाए गए हैं और इसी प्रकार का एक तुगलकी फरमान भी देवबंद के दारुल उलूम के द्वारा यहां जारी किया गया है। या फिर उनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेना चाहिए था कि वो कहते कि इस कैंपस में कोई भी अपना मोबाइल नहीं लेकर के आएगा, अगर मोबाइल लेकर के आएगा उस पर वो फाइन इम्पोज कर सकते थे। अगर वो इस तरह की एहतियात के लिए कहते तो शायद ये अच्छा होता, लेकिन मतलब उनकी आदत के मुताबिक उन्होंने ये सब ना करके सिर्फ औरतों पे ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उनकी एंट्री बैन कर दी। तो ये बहुत कॉमन सी बात है हम लोगों के लिए भी कि हमेशा से वो औरतों के अगेंस्ट रहते हैं और मेल्स को फेवर करते हैं। दारुल उलूम अपने इस फरमान से मदरसा परिसर में बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने का सॉल्यूशन बताता है। तर्क इतने बेतुके हैं जो मानसिकता को कटघरे में खड़ा करते हैं और वो भी तब जब वो बहुसंख्यक यानी हिंदुओं के मुकाबले स्वतंत्रता नहीं मिलने का झूठा ढोंग अलापता है। दारुल उलूम शायद ये भूल जाता है कि चारधाम में भी रील्स और वीडियो को लेकर खास फैसला लिया गया। इस डिसीजन के मुताबिक मंदिर परिसर में 50 मीटर की रेंज पर फोटोग्राफी बैन कर दी गई। चाहे पुरुष हो या फिर महिला, कोई भी मंदिर के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी ये नियम लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने अपने इस फैसले में लड़का या लड़की नहीं देखा, उम्र या कपड़े नहीं देखे, जबकि दारुल उलूम के इस फतवे को असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी ये जातीय मामला बताकर टाल देते हैं। दारुल उलूम में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित किया गया, इस पर क्या कहना है? क्या हुआ? दारुल उलूम में कहा गया है कि यहाँ पे महिलाएं नहीं आएंगी क्योंकि सेल्फी लेती हैं। क्या है वो? अरे वो दारुल उलूम का रूल है, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो अपना रूल बना सकते हैं। अब आपके घर में हम चले जाएं सबको लेकर, बताइए आप। कमाल है वैसी साहब, मुस्लिम समुदाय की ठेकेदारी का दम्भ भरने वाले
महिलाओं की आजादी का ही गला घोटने पर उतारू हो जाए तो क्या दारुल उलूम के उन फैसलों को भी आपके हिसाब से जायज मान लेना चाहिए जिसमें मदरसे के अंदर छात्रों को अंग्रेजी पढ़ने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाती। ईद के दिन गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देना भी दारुल उलूम के हिसाब से गलत है और फिर गजवाए हिंद को वैध बताने वाले दारुल उलूम के इस फैसले को क्या इसी तरह मानोगे। योगी सरकार ने 2 साल पहले मदरसों का सर्वे कराया था जिसमें सामने आया कि सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद का यूपी मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है जिसके बाद सरकारी मदद वाली लिस्ट में इसे नहीं रखा गया। बाद में दारुल उलूम की सफाई आई कि केंद्र और प्रदेश सरकार से वो अनुदान नहीं लेता है बल्कि चंदे पर चलाया जाता है। हालांकि सरकार ने इसके बाद दारुल उलूम को मिलने वाली फंडिंग पर नजर रखनी शुरू कर दी है। दारुल उलूम कुछ विवादित फतवों को अपनी वेबसाइट से हटा चुका है मगर कुतर्कों से भरे ऐसे कई फरमान हैं, जिसके चलते देवबंद का ये इस्लामिक मदरसा अब रडार पर है। अगर रूल कोई कानून लागू हुआ है उसको वो महिलाओं में और पुरुषों में उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर देवबंद ने इस तरह की जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं जिसमें रील्स बनाने से मना किया गया है तो वो जैसे कि लेडीज पे लागू है उसी तरह से मर्दों पे भी लागू होना चाहिए। इस फैसले की आड़ में दारुल उलूम कहीं महिलाओं को तालीम में पीछे तो नहीं धकेलना चाहता? 3 तलाक के खिलाफ जिस तरह मुस्लिम महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है कहीं उससे डर तो नहीं सता रहा था? क्योंकि कई छात्राएं ऐसी भी यहां आती थी जो इसकी निर्माणाधीन लाइब्रेरी में किताबों से रिसर्च में हेल्प लेती थी और फिर तमाम मुद्दों पर अपनी मुखर राय रखती थी। कई महिलाएं ऐसी भी मदरसे में जाती थी जिनके बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये वही दारुल उलूम है जिसने 3 तलाक को खत्म करने के लिए लाए गए कानून का समर्थन नहीं किया और महिलाओं को उसी दोजक में रखने की हिमायत की जिसका दंश वो सदियों से झेलती आ रही। जाहिर है दारुल उलूम का फतवा शक की बुनियाद पर भी टटोला जा रहा है और महिलाओं के खिलाफ बड़ी साजिश से अनदेखा नहीं किया जा सकता। नहीं, उन्होंने कहा कि महिलाओं के क्या अधिकार हैं, जिस ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति को उन्होंने समाज में फैला करके रखा उस पर कोई किसी तरह का आंदोलन नहीं चलाया कि ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है या इन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। दूसरी चीज की उन्होंने तमाम जगह शरिया अदालतें शुरू कर दी ताकि लोग और अपने देश से अपने संविधान से भटके रहें। तो ये वो लोग हैं जो देश में रह करके भारत में रह करके भारत को तोड़ने का काम करते हैं। नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े। आप देखेंगे तो हमेशा से इन लोगों ने महिलाओं को पीछे धकेलने का काम किया है और जबकि इस्लाम में महिलाओं को हमेशा से तरजीह दी गई है, आगे बढ़ने की बात कही गई है और बराबरी का अधिकार दिया गया है, वहीं ये लोग नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े, आगे आए और अपनी शिक्षा प्राप्त कर करके कंधे से कंधा मिला करके समाज में अपनी पहचान बना। दारुल उलूम इस्लाम में सुधार को अपना मुख्य उद्देश्य बताता है लेकिन मजहबी दीवार खड़ी करने में ये बिल्कुल भी पीछे नहीं। दारुल उलूम देवबंद ने अपने ही एक अधिकारी को इसलिए पद से हटा दिया क्योंकि उसने पीएम मोदी की तारीफ की थी। आलिया खान नाम की लड़की के खिलाफ इसलिए फतवा जारी कर दिया क्योंकि उसने गीता श्लोक का पाठ किया था। दुनिया के कई देशों के लोग देवबंद में इस्लामिक शिक्षा लेने आते हैं मगर 1857 की क्रांति से ताल्लुक रखने वाला दारुल उलूम फतवों को लेकर कुछ ज्यादा ही सुर्खियां बटोर रहा है। जब भी इस्लामिक रीति रिवाजों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब फतवे के तौर पर सामने आता है जिसे कुछ लोग मानते हैं और कई विरोध करते हैं। मगर इस बार फरमान महिलाओं की मदरसा परिसर में नो एंट्री का है, इसीलिए आजाद ख्यालों की वकालत करने वाले मजहबी ठेकेदार चुप्पी साध चुके हैं। ये अलग बात है कि दारुल उलूम के मौलानाओं का खौफ इतना ज्यादा है कि मुस्लिम महिलाएं इस फरमान पर सीधे सीधे सवाल उठाने से बच रही। उन्हें फिक्र इस बात की है कि कैमरे पर उनकी खिलाफत भारी न पड़ जाए जिससे मौलाना ब्रिगेड को हमलावर होने का मौका मिल सके। माहौल के खराब होने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए महिलाएं वहाँ पे जाती हैं और फोटोग्राफी करती हैं और बेपर्दगी होती है, फिर फोटो इधर उधर भेजते हैं, उनको लोग बाग देखते हैं, फिर बेपर्दगी ज्यादा होती है। योगा जाना वैसे भी गलत है, ठीक नहीं है और इसी वजह से वहाँ पर लड़कियाँ पढ़ाई नहीं करती, लड़के पढ़ते हैं और लड़कियाँ जाके फोटोग्राफी करती हैं और दिखावा करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं। ये माहौल गलत करने वाली बात है और इससे बचना चाहिए। जितना अधिकार लड़कों का है इतने अधिकार लड़कियों के लिए भी होना चाहिए और ये ऐसा निकाला है उन्होंने तो गलत निकाला है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात के लिए भाई मासूम है लड़की तो इसका मतलब ये नहीं है जो उनको इस तरीके से दबाव दे के और लड़की को बैन लगाया गया। हमारी ही हदीस में, हमारी ही इस्लाम में हमारी मोमिन बहनें हैं जो एक नकाब बना के रील्स में अपने बयान देती हैं, ईमान फैलाती हैं, तो वो भी तो एक रील्स के जरिए ही करती हैं ना। थोपा गया ऐसा फैसला
जिसमें समाज का हित कम, अपनी मजहबी दुकान चालू रखने की ज्यादा चिंता है। सहारनपुर से शैलेश सक्सेना और वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।